दोस्तों देखते हैं विजय को रमेश स्टोर में स्टोर चेक, हाउसकीपिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग का स्टेप करते हुए। पहले ये देख लूं कि सारा सोप्स का स्टॉक कैटेगरी शेल्फ में है या नहीं। स्टॉक को कैटेगरी के साथ प्लेस करना है। ये फेसिंग ग्रिड एफओ ने दिया है और उसी के अनुसार हमें आउटलेट में फेसिंग मेंटेन करना चाहिए। सोप का प्रोमो पैक्स का सही ऑफटेक के लिए इसे ज्यादा फेसिंग देना चाहिए। प्रोमो पैक्स भी अभी ऊपर के शेल्फ में रखा हुआ है, लेकिन अच्छे विजिबिलिटी के लिए प्रोमो पैक्स को सेकेंड और थर्ड शेल्फ में आई लेवल में होना चाहिए। रमेश जी से इसके बारे में भी बात करूंगा। रमेश जी से ये ऑलरेडी अग्रीड है कि यहाँ सोप कैटेगरी में कम से कम 13 फेसिंग्स होनी चाहिए। मैं आज उसी के अनुसार स्टॉक सजा दूंगा। मुझे सोप्स कैटेगरी में 13 फेसिंग्स अचीव करना है। अब मैं 13 फेसिंग्स कैसे अचीव करूंगा यहाँ पे? सिंथॉल साबुन के 3 फेसिंग्स और फेयर ग्लो के 2 फेसिंग्स करने होंगे। श्रीका काई के 1 फेसिंग, गोदरेज नंबर 1 के 7 फेसिंग्स। तो देखिए दोस्तों, विजय शेल्फ में गोदरेज नंबर 1 के साथ फेसिंग बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शेल्फ में नीचे से ऊपर तक प्रोडक्ट को सजाने से ही एक फेसिंग बनती है और हर फेसिंग के पीछे उसी वेरिएंट को पूरे शेल्फ में पीछे तक लगाएं, उससे इसकी सही डेप्थ बनती है। अब विजय स्टॉक गिन रहे हैं। ऐसा करने से विजय रिटेलर को सही ऑर्डर सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि स्टॉक को साफ करने से और फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने से दुकानदार को यकीन होता है कि आप उनकी दुकान और स्टॉक का खास ध्यान रख रहे हैं। इससे दुकानदार को आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। अब मैं सोप कैटेगरी के की ड्राइवर्स में एक्शन पॉइंट्स को समराइज कर लेता हूँ। सोप कैटेगरी के एमएसएल एसक्यूज में कोई गैप नहीं है। प्रोमो पैक के लिए ज्यादा स्पेस लेना होगा। चल रहे प्रोमो पैक को आई लेवल में लाना होगा। सोप के लिए अभी कोई पोस्टर या विंडो नहीं है, इसलिए इसका कोई एक्शनेबल नहीं है। अब मैं हेयर कलर कैटेगरी में जाता हूं। आइए अब हम अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या सही किया और क्या बेहतर कर सकते थे।